नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉमटेरिया फैमिली को कॉमटेरिया चैनल की तरफ से हमारे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। इसी तरह से राष्ट्रनीति निरंतर प्रगति करता रहे और हमारे देश की स्वतंत्रता में आज़ाद हिंद फौज की मुख्य नेतृत्वकर्ता और संस्थापकों में से एक सुभाष चंद्र बोस जी को हम हमेशा याद रखेंगे और उनके बलिदान को भी हमेशा याद रखेंगे। हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय संसद के संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण 7 संशोधनों पर हमने चर्चा पर चर्चाओं का दौर स्टार्ट कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे 8वां संविधान संशोधन, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वां संविधान संशोधन में इसके द्वारा अनुच्छेद 334 आठवें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा, 8वें संविधान संशोधन 1960 में अनुच्छेद 1934 के द्वारा संशोधन करके विधानमंडलों में काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया। इनके आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया और जो कि कुल मिलाकर सन 1970 तक कर दिया। 8वां संविधान संशोधन इनके स्थानों के आरक्षण SC ST AI स्थानों के आरक्षण को सन 1970 तक कर दिया गया। पहले 10 वर्षों के लिए था 60 से, तो उसको अब बढ़ाकर कर दिया गया 20 वर्ष तक। अब 9वां संविधान संशोधन देखिए, इन्हीं संविधान संशोधनों के जो क्वेश्चन है, इन्हीं तरह के संविधान संशोधन क्वेश्चन ऑफेंडली कंफ्यूज्ड द एस्पिरेंट्स एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। जब परीक्षा देते हैं तो ऐसे ही संशोधन से कोई प्रश्न आ जाता है, इन चीजों पर हम कभी गौर नहीं करते और इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर हम गौर करें तो इस तरह के क्वेश्चन ऑफेन कंफ्यूज्ड को भी हम क्रैक कर सकते हैं परीक्षा के समय। और हम देखेंगे कि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक आरक्षण की स्थिति कर दी गई ST SC और एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए। और एंग्लो इंडियन में भी एक नया संशोधन आया था, उनकी सीटों की संख्याएं राज्य विधानसभाओं में खत्म कर दी गई हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे उस विषय पर। और अब हम पढ़ेंगे 9वां संविधान संशोधन 1960, ये भी 1960 में किया गया। 9वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का 9वां संविधान संशोधन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट बेरुवारी बहुत ही पॉपुलर निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेरुबारी के मामले में दिए गए परामर्श सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9वें संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेरुबारी के मामले के दिए परामर्श को लागू करने के लिए पारित किया गया। बेरुबारी के मामले
के दिए गए परामर्श को लागू करने को पारित किया जाए, किया पारित किया जाए। परामर्श को, इस परामर्श को जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसको पारित किया गया था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया, इस मामले में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया था, भारत भूमि को कहा गया था कि भारत की भूमि को विदेशी, बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, किसी विदेशी राज्य के भारत की भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना अति आवश्यक है। संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। भारत की भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। और प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबारी खुलना, बेरुबारी और खुलना इसी प्रकार के क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। ऐसे क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत की भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है और प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबारी या खुलना या इसी तरह के कोई क्षेत्रों के को पाकिस्तान को दे दिया गया। यही मामला था। यह कहता है संविधान का 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। अब हम डिस्कस करेंगे 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपको कॉम्पिटिया के लेक्चर्स ऑलरेडी के कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगर आपको रोचक न लग रहा हो इसको रोचक बनाने का और प्रयास किया जाएगा। पढ़ाई में रोचकता रहेगी तभी आपका ध्यान आकर्षित होगा पढ़ाई की तरफ और आप सफलता के नित्य नए नियमित आयाम कायम करेंगे। कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल पूरे विश्व में मुफ्त शिक्षा और प्रसार, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। सभी पढ़े स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर देन हार्डर टू अचीव योर गोल। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। दसवां संविधान संशोधन 1961 क्या कहता है, इस मामले में हम चर्चा करने जा रहे हैं। भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों, इसके द्वारा पहले पुर्तगाली राज किए थे, भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर व नगर हवेली को संविधान का 10वां संविधान संशोधन 1961 कहता है कि भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर व नगर हवेली को
भारत में शामिल करके, भारत में शामिल करके, पहले यहीं पर राज करते थे, पुर्तगाली आए थे व्यापार करते थे, तो उसको पूर्व पुर्तगाली क्षेत्र दादर नागर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया, इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्रदान किया गया। यही था संविधान का 10वां संविधान संशोधन संसद का 1961 की भूतपूर्व, इसमें इस संशोधन में भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर व नगर हवेली को भारत में शामिल करके इसे केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, यदा कदा इन सब अधिनियमों में से एकाध प्रश्न आ जाते हैं जो कि आपको मेरिट से दूर कर देते हैं, जो आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको हर क्वेश्चंस को ट्रैक करना है, हर क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनानी है, हर तरह के विषयों पर आपको एक पकड़ मजबूत करनी है। भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसीलिए हमने चुना ऐसे ही विषय को कि पहले हम प्रारंभ करते हैं आपको पढ़ाने के लिए कि जो क्वेश्चन बराबर कंफ्यूज करते हैं, बराबर टिपिकल हो, इनको समझने में कठिनाइयां होती हैं या इनको पढ़ने में उलझन लगती है, उदासी लगती है, बोरिंग लगती है, वैसे ही लेक्चर्स को रोचक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए क्रॉमटेरिया उपस्थित है और आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे। देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर अपनी एक चमत्कारिक भूमिका निभाते। देखिए 11वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन, 11 संविधान संशोधन 1961 के बारे में, 11वां संविधान संशोधन 1961, इसमें संविधान के अनुच्छेद, इस संविधान संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 खंड 4, इसमें संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 4 जोड़कर ऐसा उपबंध किया गया, खंड 4 जोड़ा गया, जोड़कर उपबंध क्या किया गया, यही है मूल इसका सार, उपबंध किया गया, उपबंध किया गया कि निर्वाचक मंडल, देखिए ये निर्वाचन संबंधित है, निर्वाचक मंडल इलेक्शन संबंधित है कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर, निर्वाचक मंडल में रिक्तता मतलब कि जो सीट वैकेंट है, में रिक्तता के आधार पर, निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इसमें कहा गया कि आर्टिकल 17(4) को जोड़कर, आर्टिकल 17 में एक चौथा खंड जोड़कर ऐसा उपबंध किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नियम निर्वाचन की वैधता को, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता मतलब वैलिडिटी है, इसको चुनौती दिया गया था कि वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं आप चुनौती दे सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है, किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को, कि वैध है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसके लिए आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। और डॉक्टर खरे के मामले में ये पारित किया गया, जो डॉक्टर खरे थे, इस संशोधन को जो 11वां संशोधन संविधान संशोधन 1961 है, इस संशोधन को डॉक्टर खरे के मामले के बाद पारित किया गया था, इसमें डॉक्टर खरे के मामले का निर्णय हुआ, उसके बाद
पारित किया गया इसको, ये बात चैलेंज किया होगा, किया गया था। इस निर्णय के होने के बाद डॉक्टर खड़े कि यह पारित किया गया यह नियम कि आर्टिकल 71 में एक चौथा खंड जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि आर्टिकल 71(4) स्टेटेड दैट, ऐसा उपबंध किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये डॉक्टर खरे का जो निर्णय आया था कोर्ट में, उसके बाद ये नियम पारित किया गया था। यह था संविधान का 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी प्रकार से आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां चारों संविधान संशोधन के विषयों पर चर्चा और परिचर्चा की। हमने देखा 8वां संविधान संशोधन 1960, 10वां संविधान संशोधन 1961, 11वां संविधान संशोधन 1961, इसमें आर्टिकल 71 में एक खंड चार जोड़कर ऐसा उपबंध कर दिया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं उनकी निर्वाचक की वैधताओं पर किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएँ बहुत ही निकट आने वाली हैं और एक स्वर्णिम मौका होगा विद्यार्थियों के लिए। उनको लगभग 6 माह का समय कम से कम मिल रहा है। एक नई खबर भी और निकल के आ रही है। देखिए, अभी स्पष्टता नहीं है खबर में कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही ये डेट आएगी एग्जाम की, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही निकाला गया है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा का विज्ञापन विभिन्न विषयों पर। और यह सीटें बढ़ने के और मांग की गई है हमारे छात्र गुटों द्वारा कि कम से कम इस सीट को न्यूनतम 10,000 से लगभग 15,000 तक सीटें की जाएं, क्योंकि रिक्त सीटें हैं। कम से कम 10,000 से 15,000 पद पर भर्तियों के लिए कहा गया है कि फिर से आप उसमें अधियाचन मांगे और फिर से आवेदन मांगे अधियाचन के लिए, अधियाचन की जो कितने रिक्त पद हैं। उसके बाद एक बार और मौका भी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए फॉर्म भरने का, जो वंचित रह गए हैं, जिनकी डिग्री नहीं कम्प्लीट थी, जो भी कारण हो। इस तरह की मांग की गई है हमारे छात्र संगठनों द्वारा, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा इसमें कि बहुत से अच्छे अच्छे युवा मंचों ने इसमें भूमिका निभाई। तो ये खबरें भी हैं कि लगभग मई से लेकर अगस्त के बीच में ही सरकार कोशिश कर रही है, आयोग कोशिश कर रहे हैं मनाने का और उस मई तक कराने का। तो मान के चलिए कि मई में भी एग्जाम हो सकता है, जैसे मैंने बताया था अगस्त में आने की सूचनाएं हैं। कुछ बहुत ही सकारात्मक यूट्यूब चैनलों की और फेसबुक पेजों की बात को माने और जो विद्यार्थियों का एक अच्छा दल है जो कि वार्ता में है, तो लगभग मान के चलिए मई की भी सूचना निकल के आ रही है कि मई 2023 में भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने की प्रबल संभावना है। 6 माह का जबरदस्त टाइम मिला है विद्यार्थियों को, 4-5 माह का रगड़ के तैयारी कीजिए, अपने अपने विषय में प्रवीणता हासिल कीजिए और ये सिलेक्शन ले लीजिए टीजीटी पीजीटी में। और साथ में आपके एमपीपीसीएस के भी फॉर्म निकले हैं जो भरे जा रहे हैं, यूजीसी नेट के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और यूजीसी नेट की भी परीक्षाएं फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं और जून के भी फॉर्म निकल गए हैं यूजीसी नेट के। तो बने रहे, देखते रहें और हर तरह के रिजल्ट्स भी देखिए जारी किए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भी विभिन्न संवर्गों में जो परीक्षाएँ एनटीए द्वारा कराया गया था उसके भी रिजल्ट 2-3 पहले जारी कर दिए गए हैं, आप लोग मिला लें। अभी पीसीएल के भी रिजल्ट आने की बात हो रही है कि पीसीएल कब रिजल्ट देगा, वो भी रिजल्ट देंगे तो टाइपिंग कराएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजल्ट दे दिया, टाइपिंग की तैयारी विद्यार्थी करना चालू करें। हम मूलतः पीसीएस को ही टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर पीसीएस और उच्च शिक्षा की मैं बता रहा हूँ आपको बात। तो मैं इसी संवर्ग में देख रहा हूँ कि पॉलिटी बड़ी कमजोर होती जा रही है, पॉलिटी की पकड़ विद्यार्थियों के लिए, तो हमने पॉलिटी को चुना कि पीसीएस का एक महत्वपूर्ण अंग ये कंपटीशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को ही पढ़ाया जाए, जिससे कि बहुत ही कठिन प्रश्न जो कि अक्सर कन्फ्यूज कर देते हैं वो विद्यार्थी कर लें। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमटेरिया पर और इसी प्रकार से सीने देते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें
और बने रहें, जमे रहें, स्टडी करें हार्ड, हार्डर देन हार्डर, और सक्सेस आप प्राप्त करें। जय हिंद जय भारत। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फॉर्म क्लियर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करते रहें।